I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So today we are discussing the layers of the anterior abdominal wall. And after the session, if you found any difficulty, to please mention it in comment box and I will resolve very soon. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो एंटीरियर साइड पे हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है उसमें कितनी लेयर्स होती है और इस लेयर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास लेयर्स काफी है यहाँ पे, एंड अगर हम लेयर्स की बात करें तो हमारे पास 8 लेयर्स है हमारे पास। एंड अगर सुपरफिशियल और चुडी हम बात करते हैं तो सबसे पहले सुपरफिशियली आएगी स्किन, उसके स्किन के बाद में स्किन के डीप आएगी सुपरफिशियल फेसिया, एंड सुपरफिशियल फेशिया के डीप होगी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के डीप होगी इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, एंड इसके डीप होगी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल्स एंड फेशिया ट्रांसवर्सलिस एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड पेराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। तो यहाँ ए हमारे पास लेयर है। तो जो लेयर है एब्डोमिनल वॉल की वो एक सिंगल लेयर नहीं है, ये 8 लेयर्स मिलकर बनाती हैं वन लेयर। और हमने इस लेयर्स के बारे में बात की है जो सुपरफिशियल की डीप होती है। जिस तरीके से हम सबसे पहले चलते हैं स्किन की बात करते हैं हम, तो स्किन जो होता है एब्डोमिनल वॉल का, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का सबसे बाहरी वाला पार्ट है, सबसे बाहर के साइड में है, जो थिनर है एंड मोर सेंसिटिव देन द स्किन ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हम बात करेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की एक नेक्स्ट सेशन में, किसी और सेशन में। तो जो एब्डोमिनल वॉल होता है पोस्टीरियर साइड में, वहाँ की स्किन के से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये हमारे पेट के ऊपर जो हमारी स्किन होगी वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी बजाय हमारे पीठ के ऊपर जो स्किन होगी उसके। सबसे पहले हम देखते हैं क्रीसेस, जो हमारे विजिबल स्किन क्रीसेस, ऐसी क्रीज और ऐसी लाइंस जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें दिखाई दे सकती हैं हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। तो क्या क्या लाइंस हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मिड लाइन फर्रो एंड ब्रो। आपको जब भी आप अपने एब्डोमिन की तरफ देखते होंगे तो आपको एक मिड लाइन हमें दिखाई देती है। हमें यहाँ पे पूरी तरीके से कोई क्लियर पिक्चर मेरे पास है नहीं, लेकिन आपको अगर मैं इस तरीके से लेके चलती हूँ तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, अगर आप देखेंगे मिड लाइन, एक हमें यहाँ फर्रो या डिप्रेशन एक ग्रूव जैसा हमें दिखाई देगा तो उसे बोलते हैं हम मिड लाइन फर्रो और ग्रूव। लीनिया सेमिलुनेरिस, तो लीनिया सेमिलुनेरिस हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास यहाँ पे कर्ड एक ग्रू होगा, ये हमारे पास जो है मिड लाइन फर्रो होगा और मिड लाइन फर्रो के साइड में जो कुछ सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो एक कर्ड ग्रू होगा जिसको हम बोलेंगे लीनिया सेमिलुनेरिस। तो यहाँ पे ये विजिबल जो स्किन क्रीसेस है जो हमें दिखाई देते हैं बाहर की तरफ से, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें एक यहाँ पे ग्रू दिखाई देगा, दैट इज द लीनिया सेमिलुनेरिस। अब है ट्रांसवर्स फर्रो, तो ट्रांसवर्स फर्रो हमें दिखाई देगा सम टाइम दिस ट्रांसवर्स फर्रो क्रॉसिंग द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स एंड दैट इज करस्पोंड टू टेंडिनस इंटरसेक्शन ऑफ द मसल दैट इज कॉल्ड लीनिया ट्रांसवर्सलिस। तो हम देखते हैं तो इस तरीके से ये इंटरसेक्शन बने हुए हैं रेक्टस एब्डोमिनिस में, और जो ये है हमारे पास लीनियर ट्रांसवर्सलिस। तो ये जो सेक्शन बने हुए हैं, जब आप उन लोगों में जो अच्छे से बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमें दिखाई देता है उनमें इस तरह की ग्रोथ, बाहर से विजिबल होती है हमें, उसको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं, क्योंकि जब उनकी वेल डेवलप्ड उनकी मसल्स होती है तब हमें ये जो ग्रू हम बात कर रहे हैं हमें पूरी तरीके से बहुत क्लियरली दिखाई देती है। हम बात करते हैं लीनिया ऑफ वेनस, ये भी सेमी लूनर लाइंस हैं जो कनकेव फेसिंग अपवर्ड
एंड मोस्टली फीमेल में दिखाई देती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, और कहाँ पे दिखाई देती है, जो अम्बिलिकस एंड पुबिक सिम्फाइसिस के बीच में कुछ इस तरह की हमें कर्व लाइंस दिखाई देती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह की कोई पिक्चर जिसमें आपको दिखाई देगी, ये बहुत विजिबल तो नहीं है लेकिन अम्बिलिकस एंड पुबिक सिम्फाइसिस के बीच में इस तरह की आपको कर्व लाइंस दिखाई देती है, हमें इस तरह की लाइन्स हमें विजिबल हो रही है। तो इस लाइन्स को हम बोलते हैं लाइन्स ऑफ वीनस, जो स्पेशली फीमेल्स में होती हैं, एंड जो कनकेव फेसिंग अपवर्ड, जो अपवर्ड फेसिंग कर रही है, जो उनका जो लाइन है ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, और अम्बिलिकस एंड ट्यूबियस सिम्फाइसिस के बीच में इस तरह की सिचुएटेड होती है। दूसरी लाइन्स है लिनिया ग्रेविडेरम, आपने बहुत देखा होगा ऐसी औरतों में जिनके बच्चे हो चुके हैं या जिनके एक या दो बच्चे हैं, एक या दो से ज्यादा बच्चे हैं, उनमें इस तरह के आपको ये लाइंस दिखाई देगी, जो लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ व्हाइट लाइंस दिखाई देंगी जिसको हम बोलते हैं स्टेव ग्रेविडेरम, और ये इसलिए होता है कि डीजनरेटिव फाइब्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस फेट, जो सबक्यूटेनियस फेट होता है, जो हमारे स्किन के नीचे का फैट होता है, उसका डीजनरेटिव फाइब्रोसिस होता है, क्योंकि जब एक यूट्रस में जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो यूट्रस बढ़ रहा होता है, यूट्रस इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, जब यूट्रस इनलार्ज होगा तो हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है उस पर स्ट्रेच करेगा, वो हमारी जो एब्डोमिनल वॉल होगी वो भी उसको स्ट्रेच करेगा, उसको खींचेगा, यूट्रस होगा इनलार्जिंग यूट्रस, उसको अपना जो इनलार्जमेंट से वो उस वॉल को भी इनलार्ज करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रेचिंग आएगी, स्ट्रेचिंग के कारण जो फाइबर्स है वहाँ पे, तो उसका जनरेटिव फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा वहाँ, और वहाँ पे इस तरह की लाइंस बनना शुरू हो जाएगी जिसको हम लीनियर ग्रेविडेरम कहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये सबक्यूटेनियस फैट का डीजनरेटिव फाइब्रोसिस है। स्किन के बाद में जो उसके अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम है सुपरफिशियल फेसिया, एंड जो सुपरफिशियल होते हैं उसमें एक वेरिएबल अमाउंट में फैट होती है, जो कि मैक्सिमम होता है लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो अम्बिलिकस के नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पे जो फैट का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, एंड जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का ये जो पार्ट है फैट एक्युमुलेशन का, स्पेशली इन फीमेल्स में जब ओबेसिटी के कारण फीमेल्स में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का ये जो पार्ट होता है इसमें फैट एक्युमुलेशन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। तो जो लाइन है जो टू एंटीरियर सुपीरियर इलिंग स्पाइन को जोड़ रही है, जो लाइन हम बोल रहे थे इमेजिनरी लाइन, वो जो टू एंटीरियर जो राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर लिंक स्पाइन को जोड़ रही है, उसके ऊपर का जो सुपरफिशियल फेसिया होता है वो एक सिंगल लेयर के रूप में होता है, लेकिन इसके नीचे का इस जो हमें इमेजिनरी प्लान के नीचे का जो सुपरफिशियल फेसिया है उसमें टू लेयर्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल फैटी लेयर, जिसका नाम है कैम्फर फेसिया, एंड एक डीप मेम्ब्रेनस लेयर जिसको हम बोलते हैं स्कर्फा फेशियल। तो हमने देखा कि जो टू एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन को जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसके ऊपर की जो सुपरफिशियल फेशिया है वो एक सिंगल लेयर के रूप में होती है, और इस इमेजिनरी लाइन के नीचे जो सुपरफिशियल फेशिया है वो टू लेयर के रूप में होती है, जो फर्स्ट होती है सुपरफिशियल फैटी लेयर जिसमें फैट डिपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं कैम्फर फेशिया, और उसके बीच बाद की जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं डीप मेम्ब्रेनस लेयर, जो में एक मेम्ब्रेन की तरह एक लेयर है जिसको बोलते हैं स्कर्फा फेशिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस फैटी लेयर की जिसको हमने नाम दिया है कैम्फर फेशिया। तो ये जो कैम्फर फेशिया है जो सुपरफिशियल फेशिया होती है जो ऊपर की से कंटिन्यूस रहती है, एंड ओवर द पेनिस नॉर्मली इसमें हमने बोला है कि फैटी लेयर होती है, लेकिन पेनिस के ऊपर जो इसका कवर होता है जो इसका लेयर होता है इसमें फैट नहीं होता,
और दूसरा ये है कि स्क्रोटम में जो सुपरफिशियल फेशिया होती है उसको एक मसल्स को रिप्लेस कर देती है, इसका मतलब वहां पे सुपरफिशियल फेशिया नहीं रह के एक मसल इनवॉलेंट्री मसल्स होती है जिसको बोलते हैं डार्टस मसल्स, वो इसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की देखो सुपरफिशियल फेशिया है और इसका जो एक फैटी लेयर है कैम्फर फेशिया, और उसके बाद की हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये स्किन है, आप ये पेनिस के ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पे देखिए जो फैटी लेयर है हमारे पास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, और स्कोटम में जाके ये स्कोटम यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फेशिया है इसकी जगह पे क्या होगी डार्टस मसल्स ने ले ली। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैर्पा फेशिया। स्कैर्पा फेशिया हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेनस लेयर की, जो सुपरफिशियल जो फैटी लेयर है उसके नीचे सिचुएटेड होता है, ये पार्ट है सुपरफिशियल फेशिया की। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिड लाइन में लीनिया एल्बा से अटैच्ड होता है, मिड लाइन में जहाँ एपोन्यूरेसिस फॉर्मेशन होता है, एपोन्यूरेसिस होता है मसल्स का, तो वहाँ पे मिड लाइन में उनसे अटैच्ड होती, और जो ईच साइड में ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है उससे ये एक लूज एरियोलर टिश्यू से सेपरेटेड रहती है। ठीक है, ये मिड लाइन में तो जुड़ी होती है लीनिया एल्बा से, लेकिन जो लीनिया एल्बा किससे बनी होती है एपोन्यूरेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, लेकिन ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के से सेपरेटेड रहती है, कैसे, ये लूज एरियोलर जो टिश्यू है उनके कारण एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से सेपरेट रहती है। ठीक है, बिलो हम देखते हैं क्या है, ये इंगुलर जो लिगामेंट है उसको क्रॉस करती है, फिर जो मसल्स होती है फेशियल एटा ऑफ थाई उसको अटैच कर देती है जो इंगुलर लिगामेंट के जस्ट नीचे, और जिसकी पैरेलल होती है उसके तुरंत ही फेशियल एटा होता है उसको अटैच कर देती है जो कि उसकी मसल। फिर हम बात करते हैं ये प्रोलॉन्ग्ड ओवर द पेनिस टू इंक्लोज इट अप टू द बेस ऑफ द ग्लांस एंड फॉर्म्स द फेशिया ऑफ पेनिस, इसके बाद में क्या करती है ये पेनिस को इंक्लोज करना शुरू कर देती है, कहाँ तक, बेस ऑफ द ग्लांस, ये ग्लांस है तो इसको इंक्लोज करती है बेस ऑफ ग्लांस तक। आपने देखा यहाँ पे स्कैर्पा फेशिया मेम्ब्रेनस लेयर होती है स्कैर्पा फेशिया, बाद में ये जाके स्क्रोटम में चली जाती है, स्क्रोटम में क्या करती है और ये जो फेशिया बनाती है इसको बोलते हैं फेशिया ऑफ पेनिस, जिसको बोलते हैं बक्स फेशिया। स्क्रोटम में ये डार्टस मसल से रिप्लेस्ड हो जाती है, फिर ये बाद में क्या करती है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेरिनियम, जो बाद में जो पेरिनियम में जो फेशिया होती है उससे कंटिन्यू करती है, जिसको हम बोलते हैं कोली फेशिया। तो यहाँ पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्क्रोटम में डार्टस मसल से सुपरफिशियल फेशिया होती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है, और यहाँ पे जो पेरिनियम में जो मेम्ब्रस में जो मेम्ब्रेन होती है उससे ही कंटिन्यूस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोली फेशिया। अब हम देखते हैं कोली फेशिया स्ट्रेचेस अक्रॉस द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्ट, एंड ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से जुड़ी होती है जो कि प्यूबिक आर्च को स्ट्रेच करती है। अब हमने देखा कि पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड जो कोली फेशिया होती है इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो हम देखा है कि ये हमारे पास कोलीफेशिया है, ये हमारा पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इनके बीच में एक पाउच फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो हमने बात की यहाँ तक, और यहाँ पे और हम क्लियरली दे सकते हैं ये जो फेशियल एटा है यहाँ पे यहाँ के इनगुलर लिगामेंट पे, जहाँ पे मतलब क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे सकता है कि ये स्कैर्पा फेशिया है जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है सुपरफिशियल फेशिया की, यहाँ लीनिया एल्बा से जुड़ा हुआ होता है, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हैं इससे ये सेपरेटेड रहता है, एरियोलर टिश्यू के बीच में होती है। दूसरा यहाँ पे आके यहाँ पे जो थाई है ये वाला थाई है इसके जो इनगुलर लिगामेंट है यहाँ इस साइड में आके ये फेशियल एटा से जुड़ जाता है, और ये एक ग्लास के नीचे तक ये बनाती है जो इसकी पेनिस की फेशिया, एंड उसके बाद में ये पेरिनियम की जो मेम्ब्रेनस लेयर है उससे जुड़ जाती है और बनाती है वहाँ पे एक पाउच फॉर्मेशन।
ये था हमारा सुपरफिशियल फेशियल था, तो और इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर इट. थैंक यू सो मच.